अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। ऐसा व्लॉग्स पे एक और वीडियो के साथ। और सर्दियों का मौसम है यूएई में और बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। पिछले कुछ दो तीन दिन बारिश होती रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा इतनी बारिश देखी है। बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था सड़कों पर, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक बड़ी अनयूजुअल रेन थी, कभी इस तरह देखने में नहीं आया। तो मौसम बड़ा अच्छा है आज, ज़बरदस्त है। और मेडिकल रैप्स एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, नो डाउट। पाकिस्तान इंडिया में भी मैंने काफ़ी देखा है मेडिकल रैप्स को। मेडिकल रैप्स का आप अगर यूएई की बात करते हैं तो ऐसा जितना मुझे इसमें इंफॉर्मेशन है, मुझे एक दफ़ा एक आदमी से मिलने का इत्तेफाक हुआ था। वो मेडिकल सप्लाइज के बिज़नेस में थे। उन्होंने बताया था कि मेडिकल रैप्स का जो सबसे पहले जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपके पास जो है सबसे पहले होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, नो डाउट, एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक चीज़ जो बड़ी मेडिकल रैप्स के लिए वो लोग जो हैं जो यूएई में आके मेडिकल रैप्स का जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है पाकिस्तान में या इंडिया में, जो मोस्टली जो मेडिकल रैप्स के प्रोफेशन में है, तो सैलरी स्ट्रक्चर इसका नो डाउट बहुत अच्छा है। अब सैलरी स्ट्रक्चर तो अच्छा है। अब दूसरी चीज़ जो वही है कि अब इसमें आया किस तरह जाए। अब ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, मतलब इतना आसान नहीं है, नो डाउट। जब आप नए सिटी में आते हो, जब स्पेशली अब ये यूएई में आते हो जहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है ओवर द इयर्स, इतना ज़्यादा यहाँ पर टेंस जो है एटमॉस्फेयर हो चुका है रिगार्डिंग टू गेटिंग द जॉब्स, और उसके लिए ऑफकोर्स रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। पहले शायद इतना नहीं होता था, बट अब रेफरेंस बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब अगर आप मेडिकल रैप हम यहाँ आते हैं तो पहले तो आपकी जो फर्स्ट आपकी ट्राई होनी चाहिए, द वेरी फर्स्ट ट्राई जो आपकी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, वो ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, उसके लिए ऑफकोर्स आपको ऑन वीज़ा होना चाहिए, वर्क वीज़ा होना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर ऑन वीज़ा आने के लिए आपको जॉब चाहिए। अब बहुत ही लकी होंगे, बहुत ही खुशकिस्मत होंगे अगर आपको मेडिकल रैप में, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मेडिकल रैप में विदाउट जो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड यूएई ड्राइविंग लाइसेंस आपको जॉब मिल जाए। तो कोई से भी आपको जॉब पकड़नी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी यार, आप जिस फील्ड में आपने उस फील्ड में किस तरह एंटर होना है। उसके लिए तब तक जाहिर बात है आपको इतना टाइम तो हो चुका होगा, आपके लिंक्स बन चुके होंगे, आपको उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज भी है और आपको थोड़ा मार्केट का भी आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पर मेडिकल रैप का काम किस तरह हो रहा है, यहाँ पर मतलब लोग किस तरह काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स फिर जब आप यहाँ पर इतना टाइम गुजार चुके होंगे तो आपको अपने जो है प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इस फील्ड में कैसे आते हैं, आपको आइडिया होगा कि भाई इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल, लोकल जितनी भी हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, और एक चीज़ जो है नो डाउट सैलरीज इसमें अच्छी हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर अपना कैरियर स्टार्ट करें। तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब, और हाँ, वो पहली बात है कि विज़िट पे तो मस्त आना पड़ेगा, विज़िट पे ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद देखिए आप अपने मुल्क में रह के थोड़ा सा उसमें वो है मुश्किल हो जाता है, मतलब वो जब तक आप इस इधर नहीं आते तो तब तक आपको सही तरह आइडिया नहीं होता। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि मेडिकल रैप्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो यंग वंस हैं, जो भी कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए एम्फसाइज इस चीज़ को करता हूँ क्योंकि उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने कैरियर को स्टार्ट करना किसी भी मुल्क में। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मेडिकल रैप्स के बारे में। मेडिकल रैप्स जो है नो डाउट एक बड़ी बड़ी फ्लॉरिशिंग किस्म की फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है डाइवर्स इसके अंदर जो काम हो रहा है। तो मेडिकल रैप्स के लिए जो मेरा सजेशन है और जो मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जानता हूँ, बिल्कुल आप आएँ और आके यहाँ पर आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस, अ वैलिड यूएई ड्राइविंग लाइसेंस। वंस यू गेट दैट ड्राइविंग लाइसेंस देन यू आर इन अ गुड पोजीशन टू फाइंड द जॉब, यू आर इन अ गुड पोजीशन टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, और ऑफकोर्स देन यू रियली गो फॉर गुड सैलरी स्ट्रक्चर्स। बट इन द स्टार्ट इट डिपेंड्स अपॉन के आपको कैसी जॉब मिल रही है, आप विलिंग हैं इस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए, आप इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे आप। तो my suggestion to all the people who belong to this profession, come here and find it, or go for the driving license and eventually you'll find a good job. It's a very good profession, no doubt, it's a very good profession. I know some people from India, so they've been doing a great job. Aayenge yahan par, you'll have a good salaries in case, and of course it will take a lot of time to find the job. It's not easy to find a job in UAE, one thing I'm just telling you guys, it is not easy to find a job, but you have to really work hard.
सो आई थिंक इट्स शॉर्ट वीडियो में थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे व्लॉग्स पे फिर एक और वीडियो पे आऊँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।